हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 138 में। आप जानते हो कि अगर आप किसी भी बैंक NBFC कंपनी से लोन लेते हो या किसी भी व्यक्ति को अगर आप चेक देते हो या ECS मैंडेट करवाते हो तो आपके ऊपर जो दो मामले रजिस्टर किए जाते हैं सेक्शन 138 का या 25A का। बैंकिंग भाषा में आपने देखा होगा कि जब आप EMI नहीं दे पाते हो तो बैंक आपके ऊपर कोर्ट में जाके सेक्शन 138 के तहत मामला रजिस्टर कराता है, जिसके तहत आपके पास समन आता है। बाद में बैंक और आपके बीच में समझौता हो जाता है और आप बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो और बैंक को पैसे दे देते हो। तो क्या इतने मात्र से ही आपका केस ख़त्म हो जाता है? अगर बाद में बैंक ये मानने से इनकार कर जाए कि आपने पैसे दिए थे, सेटलमेंट हुआ था और सेटलमेंट में भी कुछ अमाउंट बता देता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? क्योंकि आपका समझौता कोर्ट में नहीं हुआ, आउट ऑफ द कोर्ट हुआ है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। क्योंकि आम तौर पे ये माना जाता है कि अगर हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और लोक अदालत के माध्यम से हो या आउट ऑफ द कोर्ट हम समझौता कर लेते हैं तो बैंक हमारे मामले को कोर्ट से हटा लेता है। तो क्या सिर्फ इतना मात्र ज़रूरी है? हाल ही के दिनों में एक मामला सामने आया है जहां पर पार्टी का पेमेंट होने के बाद भी जिस व्यक्ति का चेक बाउंस हुआ था उसे 1 साल की सज़ा भी हुई और उस पर जुर्माना भी लगाया गया, उसके बावजूद भी उनका केस नहीं हटाया गया और बाद में वो पार्टी सीधे तौर पे इनकार कर जाती है और इससे जिस पार्टी ने पैसे दिया था उसको काफ़ी नुकसान हुआ और बाद में और भी पैसे जमा करने पड़े। तो आखिर क्या गलती हम लोग करते हैं जब हम लोग बैंक के साथ समझौता करते हैं या किसी भी पार्टी के साथ समझौता करते हैं और उसके बाद भी हमारा मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा वीडियो का मकसद सिर्फ इतना होता है कि लोगों को जागरूक बनाना और उनको उनके अधिकार बताना ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के मामले में ना फंसे। हम रेफरेंस के तौर पे आपको बताते हैं, एक पार्टी एक्स समझ लीजिए, एक पार्टी वाई समझ लीजिए। पार्टी एक्स ने वाई को जो पैसे दिए थे वो पार्टी वाई इनकार कर जाता है। वाई ने चेक बाउंसिंग का मामला दर्ज किया था जिसके बाद आउट ऑफ द कोर्ट इनका समझौता हुआ, पर जब कोर्ट में डेट पड़ी तो वाई साफ तौर पर इग्नोर कर गया और एक्स को पहले ही अपने गलती के लिए, आपको पता होगा कि सेक्शन 138 के तहत आपके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो इसमें पेनल्टी के तौर पे 100% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी का 1 लाख का चेक आप बाउंस करवाते हो तो कोर्ट आपको 100% मतलब 1 लाख के ऊपर 1 लाख का और जुर्माना लगा सकती है कि कुल मिला के आपको 2 लाख रुपये देने हैं और यहाँ पर 2 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पार्टी जब सज़ा काट के आती है, जब जजमेंट आ जाता है 1% पे, तो हमने पैसे दे दिए, पर ये पैसे हमने कोर्ट में समझौता के तहत नहीं दिया, हमने आउट ऑफ द कोर्ट ये पैसे दे दिए क्योंकि कोर्ट में मामला बहुत ज़्यादा चलता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमने सोचा कि चलिए पार्टी को पैसे देते थे और पार्टी जब कोर्ट में उपस्थित होता है तो वो पार्टी उस राजीनामे को इनकार कर जाता है कि हमने इनसे पैसे नहीं लिए और जिस टाइम पे पैसे दिए थे आज के डेट में पैसा ही कुछ और बनता है। तो यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हैं? और सेम चीज़ जब बैंक के साथ हम लोग पैसा देते हैं, लोक अदालत हुआ या आउट ऑफ द कोर्ट जब सेटलमेंट करते हैं, तो इस बात का ध्यान दें कि जो आप पैसा दे रहे हो, जैसे मान लीजिए हमने लोक अदालत में समझौता किया, तो लोक अदालत को हम अक्सर सबसे सुरक्षित क्यों बोलते हैं कि जब आप लोक अदालत में सेटलमेंट करते हो, किसी भी पैसे का आदान प्रदान करते हो, तो लोक अदालत द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और NOC जारी कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति का, इस पर्सन से कोई भी अब पैसा का लेन देन नहीं है और इस सर्टिफिकेट और इस NOC के माध्यम पे आप कोर्ट में अपने बात को साबित कर सकते हो कि ये बैंक या ये NBFC कंपनी या ये पार्टी को हमने जितना पैसा लिया था इनकी पूरी अदायगी हम कर चुके हैं। और उसके बाद जब ये कोर्ट में मामला जाएगा तो इस चीज़ को वैलिड एविडेंस माना जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपने क्लॉज मेंशन करवा रखा है कि इस पार्टी को हमने इस रकम दिया है और ये पार्टी इस रकम पे राजी है। और बहुत बारी क्या होता है कि जब हम लोग बैंक NBFC कंपनी को पेमेंट करते हैं तो बैंक पैसा तो ले लेता है
और अक्सर हमने बोला है कि कभी भी सेटलमेंट कीजिए तो लोक अदालत के माध्यम से कीजिए। जब आप बैंक में जाकर सेटलमेंट करते हैं तो बैंक वाले पैसा ले लेते हैं और आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देते या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देते, चाहे स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं होता कि इस लोन का हम इतने पे सेटलमेंट कर रहे हैं और इतना पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, अब इस पार्टी पे हम कोई भी लीगल ऑफेंस नहीं करते, इनका पूरा पैसा बकाया चुकाया जा चुका है। क्योंकि आप बैंक के स्टेटमेंट में देखोगे तो कहीं भी इस चीज़ को मेंशन ना करें। अब कभी भी आप पैसा देते हो या किसी पार्टी को देते हो या कहीं पेमेंट करते हो तो इस चीज़ को मेंशन कराना बिल्कुल ना भूले कि इस पार्टी का जो मेरा पूरा बकाया पैसा है इस डेट पे हम दे चुके हैं और ये पार्टी पूरी तरह से राजी है कि इनका पूरा पैसा इनको मिल चुका है। और ये चीज़ अगर आप मेंशन करवाते हो तो कोई भी पार्टी कोर्ट में इस बात को साबित नहीं कर पाएगा और ये डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाएगा। तो कभी भी अगर आप बैंक NBFC कंपनी के साथ या किसी के साथ सेक्शन 138 के मामले में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो इस बात का ध्यान दें, क्योंकि सिर्फ आज के डेट में पैसा दे देना काफ़ी नहीं होता है। अगर आप पैसा दे भी दे रहे हो तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके ऊपर सेक्शन 138 का केस हट गया, नहीं, आपको सज़ा हो सकती है, आप पे पेनल्टीज़ भी लगाया जा सकता है और कोर्ट सिर्फ आपको गलती ठहराएगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। और बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है, लीगल नोटिस सेक्शन 138 या आपके घर को नीलाम किया जा रहा है या किसी भी तरह से, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी गलती आपको फंसा रही है और आपको क्या करना है ताकि बैंक NBFC कंपनी के दलदल से, कर्ज के दलदल से आप निकल पाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।